लो आ गया हूँ मैं इस चैनल का हीरो एक बार फिर से। अरे भाई ये आ गया, 1 महीने बाद आ गया जादू ओपी भाई ओपी। तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एश एम टू बी पोकेमोन मास्टर के 11 एपिसोड आने वाले थे, आज हम बात करेंगे एपिसोड 1 के बारे में। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में ऐश अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है और वहाँ पर पिकाचू और ऐश रास्ता चूज करते हैं। जो रास्ता आता है ऐश वहाँ ना जाके दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। इसके बाद हमें ओपनिंग सॉन्ग देखने के लिए मिलता है जिसमें हमें काफी सारी ओल्ड चीजें दिखाई जाती है जो कि काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक था और काफी मजा आया जो कि इतने दिनों बाद हमें एक पुराना ओपनिंग सॉन्ग देखने के लिए मिला जिसमें हमें पुरानी चीजों के बारे में बताया गया। इसके बाद ऐश और पिकाचू आगे चले जाते हैं और वहीं पर ऐश पानी में गिर जाता है, तब सारी मैचिकाप उसके पिछवाड़े पे काटने लग जाती है। ये सब देख के पिकाचू को तो काफी मजा आ रहे थे। फिर पिकाचू अपने थंडर शॉक की मदद से ऐश को बचा लेता है। तभी हमारा हीरो ऐश टार्जन बन के पूरे जंगल में घूमता रहता है और वो वहाँ से गिर जाता है। तभी उसके हाथ में अचानक से एक ककूना आ जाता है। जैसे ही ककूना ऐश के हाथ में गिरता है वो बीड्रल में इवॉल्व हो जाता है और बीड्रल को देखने के बाद ऐश की फट के 64 हो जाती है और बीड्रल के साथ तो ऐश का अलग ही रिश्ता है। तो बाद में वो बीड्रल चली जाती है वहाँ से बिना कुछ किए। उसके बाद ऐश एक पेड़ के नीचे जाके वहाँ सो जाता है अपने पार्टनर पिकाचू के। इसके बाद हमें पैलेट टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश की मॉम और मिस्टर माइम काम कर रहे थे और प्रोफेसर ओक वहाँ आते हैं और ऐश के बारे में पूछते हैं उसकी मॉम से। तभी वो बताती है कि ऐश अभी कहाँ है, उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी प्रोफेसर ओक ऐश की मॉम को एक घिसी पिटी सी पोयम सुनाते हैं। उसके बाद हमें ऐश का सीन वापस दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश कुछ पोकेमॉन्स को देख रहा होता है और यहाँ पर कुछ पुराने और नए पोकेमॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से मियाउथ आ जाता है और जैसे ही ऐश को रियलाइज होता है कि टीम रॉकेट वाला मियाउथ है, वो ऐश पिकाचू को पकड़ लेते हैं। ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल करने के लिए कहता है पर वो उससे नहीं निकल पाता। टीम रॉकेट ऐश को बताती है कि इस बार उन्होंने पूरी रिसर्च करके इसे बनाया है तो पिकाचू इससे नहीं निकल पाएगा। और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाले होते हैं ऐश अपने नोइवन को निकालता है। ऐश अपने पुराने पोकेमॉन्स को अपने साथ लेके आया है और ऐश अपने नोइवन को अटैक करने के लिए कहता है। जेसिका वोवरफेड उसे काउंटर करके रिवर्स कर देता है। फिर ऐश अपने डॉन पेन को निकालता है जिससे वो अटैक को रोक लेता है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो ऐश अपने पुराने पोकेमॉन्स लाया है जो कि काफी बहुत अच्छी बात है। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल को चूज करता है और उसे लीव ब्लेड करने के लिए बोलता है जिससे पिकाचू बाहर आ जाता है और पिकाचू के थंडर शॉक की वजह से टीम रॉकेट एक बार फिर से फेल हो जाती है। जैसे ही टीम रॉकेट हवा में उड़ रही थी वो किसी चीज से टकरा जाती है और वो जाके सीधी लेक में गिर जाती है। तभी ऐश उसको देखने के लिए वहाँ जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो लैटियास है। तभी ऐश उसे बचाने के लिए लेक में चला जाता है और वो लैटियास को पकड़ता है तो लैटियास उसे डर जाता है। और ये हमने अक्सर देखा है कि लेजेंडरी पोकेमॉन ज्यादातर इंसानों से डरते हैं। फिर ऐश लैटियास को वहाँ से बाहर निकालता है पर वो खुद उसे नहीं निकाल पाता। तभी वो अपने ब्यूजल पोकेमॉन को निकालता है जिसकी मदद से वो उसे किनारे तक लेके चला जाता है। जैसे ही लैटियास किनारे तक आता है वो वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। ऐश अपने बैग से मेडिसिन और पोशन निकाल के लैटियास पर लगा देता है और टीम रॉकेट रात को भटक रही थी इधर उधर। तभी वो देखती है कि ऐश के पास एक लैटियास है और वो वहाँ पर अपने पोकेमॉन के साथ बैठा है। और जैसे ही टीम रॉकेट को पता चलता है लैटियास एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, उनकी नीयत बिगड़ जाती है। ऐश लैटियास को देखता है और उसकी पट्टी खोलकर उस पर पोशन लगा के एक बार वापस से उसकी पट्टी कर देता है। अब यहाँ पर जिस हिसाब से टीम रॉकेट लैटियास को देख रही थी उनके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं थे, तो उसे चुराने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे सुबह हो जाती है और लैटियास होश में आ जाता है। सुबह होने के बाद लैटियास देखते हैं उसके आसपास कुछ पोकेमॉन और ऐश था जिससे वो डर जाता है और आसमान में उड़ता है और जो पट्टी ऐश ने की थी उसे खोलने की कोशिश करता है। और अचानक से वहीं से हमें टीम रॉकेट देखने के लिए मिलती है जो कि लैटियास को पकड़ लेती है अपने एक मशीन में और उसी मशीन में ऐश उसे बचाने के लिए जाता है तो वो भी फंस जाता है उसके अंदर। अब ऐश और लैटियास दोनों उस कांच के अंदर फंस जाते हैं और टीम रॉकेट उसके अंदर ठंडी हवा छोड़ देती है जिससे ऐश को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। पर ऐश लैटियास को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाद में ऐश के पोकेमॉन सभी गुस्से से टीम रॉकेट को देख रहे थे। ऐश पिकाचू को कमांड देता है थंडर शॉक की जो कि वो थंडर शॉक खुद पे ले लेता है, लैटियास को बचा लेता है। अब यही देख के लैटियास को ऐश काफी पसंद आने लग गया था और पिकाचू अपना थंडर शॉक कंटिन्यू कर ही रहा था। टीम रॉकेट को लगा कि उससे कुछ भी नहीं होगा पर थंडर शॉक करने की वजह से जो गोला था वो टूट जाता है। अब यहाँ पर ऐश और लैटियास दोनों ही नीचे गिरने वाले थे। अब ऐश का नोइवन उन्हें बचाने के लिए जाता है पर जैसे ही ऐश लैटियास को बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लैटियास ऐश को पकड़ के उसे बचा लेता है
और यहाँ पर नोइवन को ऐश अटैक करने के लिए बोलता है टीम रॉकेट के गुब्बारे पे। अब यहाँ पर लैटियास ऐश को तो बचा लेता है और उसे नीचे उतार देता है और टीम रॉकेट पर अटैक करने की वजह से टीम रॉकेट एक बार फिर से फेल हो जाती है। और यहाँ पर टीम रॉकेट कहती है कि हम पिकाचू के लिए प्रिपेयर नहीं थे। और ऐश को बचाने के बाद लैटियास ऐश से बिना मिले हुए वहां से चला जाता है और इन दोनों की केमिस्ट्री हमें काफी अच्छी लगी। और इसके बाद ऐश अपनी अलग जर्नी पे निकलने के लिए तैयार हो जाता है। और इस स्पेशल एपिसोड में ऐश एक जगह तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा। और इसी तरह ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड में हमें मिस्टी देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर ऐश उसके साथ बैटल करेगा। तो काफी मजा आएगा उस एपिसोड में, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस एपिसोड को लेकर। जैसे कि ऐश को लगा था लैटियास वहां से चला जाता है, पर नहीं, वो ऐश का पीछा कर रहा था। क्या पता ऐश लैटियास को पकड़ ले। सो ऐसी काफी सारी थ्योरीज बना रहे लोग, तुम्हें क्या लगता है बताना मुझे कमेंट्स में। और इसी एपिसोड की एंडिंग में हमें टीम रॉकेट के प्रोमो में एक लेजेंडरी पोकेमॉन बताया गया है जनरेशन 9 का, तो तुम्हें उसका नाम बताना है। यही है आज का पोकी क्विज। मैं मिलता हूँ तुम्हें पोकेमॉन की ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।